वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर फाइव ईयर प्लानिंग. इन द प्रीवियस लेसन वी अंडरस्टूड दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फाइव ईयर प्लानिंग दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बिफोर 1991. इन दिस लेसन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू व्हाट आर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ फाइव ईयर प्लानिंग दैट द गवर्नमेंट परस्यूड बिफोर 1991. लेट अस डिस्कस अवर टॉपिक. First topic is success, that are what are the achievements of five-year planning. What five-year planning led to? It led to increase in national income. What happened was, prior to planning, national income increased at a rate of 0.5% per annum, which shows that our economy was a stagnant economy. But in first five-year plan itself, we achieved 4.6% per annum. लेकिन जो हमारा जो टारगेट था वो कितना था, वो था हमारा 2.1%. इसका मतलब ये है कि जो हमारी इकॉनमी थी, जो स्टेगनेंट इकॉनमी थी, बैकवर्ड इकॉनमी थी, जो एक डेडलॉक था इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का, वो इसने ब्रेक किया था प्लानिंग ने. उसके बाद भी जो हमारी इकॉनमी है वो कंटिन्यूसली जो जीडीपी ग्रोथ है उसका होता ही गया. इवन दो हम अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाए, जितना हमने टारगेट रखा 9%, लेकिन हमने अचीव किया 7% ही. इस टाइप से जो जितने भी फाइव ईयर प्लान चलते गए, उतना टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए. स्टिल जो इकॉनमी में जो एक डेडलॉक था इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का, वो एक तरह से ब्रेक हुआ था. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम? इट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. वेन एवर देर इज़ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, दैट मीन्स दिस अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, विच लेड टू द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री. सो दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ द फाइव ईयर प्लानिंग. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. एज वी ऑल नो दैट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द की डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है. तो उसके लिए जब हमारी, अगर हम डाटा के हिसाब से देखेंगे, 1950 टू 1951 में जो सेविंग जो हमारा रेट था, दैट वॉज 9.5% ऑफ नेशनल इनकम. बट इन द ईयर 2015 एंड 16 इट इंक्रीज टू 32%. इसका मतलब ये सिग्निफिकेंटली जो सेविंग रेट है वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है. इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इन 1951 में जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था, दैट वॉज 9.3% ऑफ जीडीपी, बट इट इंक्रीज टू 33.3% इन द ईयर 2015 एंड 16. तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हमारा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर. गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस मेजर्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल लैंड रिफॉर्म्स. इन लैंड रिफॉर्म्स दे एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम, दे रेगुलेट द रेंट एंड दे ऑल्सो पुट द सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग. सो इस टाइप के काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लिए गए थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हो सके. एंड दे ऑल्सो टेक वेरियस मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड की वजह से क्या हुआ था, जो कि हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने ये यूज़ किया था, और उसकी वजह से क्या हुआ था, जो क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो एनहांस हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया था. नेक्स्ट इज़ ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़. अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने, पहले जो हमारी इकॉनमी थी प्राइमरीली एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी थी, लेकिन इसके बाद जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें हमने इन्वेस्ट करना शुरू करा. तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई. कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ और जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस्टेब्लिश हुई. फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, मशीनरी इंडस्ट्रीज़, केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, जो कि हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करी. देन नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इरीगेशन फैसिलिटीज़, पावर जनरेशन. इट लेड टू द इंडियन रेलवेज टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क. And also our IT sector also growth. The IT sector growth earned India the distinction of global market player.
Then what are the elements of social infrastructure? The elements of social infrastructure are health and education facility, which led to the decline in the death rate, and the average life expectancy of the people also increased. Earlier it was 32 years, now it is 68 years. Then next is wider opportunities of employment. For providing the opportunities of employment, government provided the protection to small scale industries. As we all know, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, तो जितनी ज़्यादा आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, उतनी ज़्यादा लेबर ये इम्प्लॉय करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करेगी हमारी कंट्री में और एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ होगा. और भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ लेके आए, जैसे कि आप जो अपना जो खुद का एक छोटा मोटा एक बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने जो फाइनेंशियल हेल्प है वो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा करी. नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. जो हमारा जो जो कंपोजिशन था ट्रेड का, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया. बिफोर प्लानिंग इंडिया वॉज प्राइमरीली अ एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड वी इम्पोर्ट फिनिश गुड्स. Now we are also exporting engineering goods. तो planning के बाद ये काफ़ी ज़्यादा जो composition है ये change हो गया. पहले हम primary products को export करते थे, अभी हम लोग जो exportation है जो हमारा, वो हम engineering goods भी करने लगे हैं. So these are the achievements of or the success of planning in India. Our next topic is failures of planning. Despite achieving so many successes during the planning period, we failed to achieve some of the objectives of the planning. For example, abject poverty. That means poverty continued to characterize the Indian economy, as 21.9% of population still living below poverty line. That means they are living below poverty line, they are not getting basic necessities of life, for example, food, clothing and shelter. And it is very disappointing to know that around 50% of those people who are absolutely poor in the world are living in India. So we failed to achieve this objective. Next is increase in inflation. What happened is whenever there is increase in inflation, that led to the increase in the money supply in the economy. Whenever there is increase in the money supply in the economy, it tended to erode the real money or the real income of the people, which divide the economy in haves and have nots. So this is the problem. Next is unemployment crisis. Unemployment की जो problem है हमारी country में शुरू से रही है, इसका जो main cause है वो है population explosion. See what happened was government ने काफ़ी सारे measures लिए, जिसकी वजह से death rate तो decline हुआ, लेकिन जो birth rate है उतनी ज़्यादा तेज़ी से decline नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ. पॉपुलेशन जब भी एक्सप्लोजन होगा तो इसका मतलब ये है जो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है. जब मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाती है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो उतनी ज़्यादा एडिक्वेटली हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इकॉनमी में रहती ही है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि सोशल अनरेस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है यूथ के अंदर. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक फेलियर है हमारी प्लानिंग का, कि अभी भी हमारी इकॉनमी में बहुत सारे जो लोग हैं अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं. नेक्स्ट इज़ इनएडिक्वेट सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री में है अभी भी इनएडिक्वेट है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़. अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ से कंपेयर करते हैं तो जितना होना चाहिए उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी भी इस सेक्टर में नहीं हो रहा है. नेक्स्ट इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, लीडिंग टू अ ह्यूज डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर. मैंने जब आपको बताया कि हमारी कंट्री की एक अचीवमेंट है पर कैपिटा इनकम इन्हांस हो रही है. पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. इट शोज़ द एवरेज. ये हमको हमेशा एवरेज शो करता है. ये हमको ये नहीं बताता कि इकोनॉमी में एक्चुअली में ईच एंड एवरी जो पर्सन है उसकी जो इनकम है वो इन्हांस ही हुई है. ओनली शोज द एवरेज राइज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. ओके, तो इतने सारे जो फेलियर्स हैं ये हमारी इकॉनमी में क्यों हुए, और हम जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अपने जो प्लानिंग के वो पूरे क्यों नहीं कर पाए, टारगेट को पूरा क्यों नहीं कर पाए. सो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट टीम ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन,
implementation of plan and programs is the main problem. Why we unable to achieve our targets? Because of implementation. And why we are not implementing the programs and policies properly? Because of inefficient administration, corruption and vested interest, and due to the red tapism also. So these are the reasons. So this chapter is over now. In the next class, we will study the sector-wise various measures taken by the government for their development. Till then, goodbye.